क्रैमर रूल क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट्स की एनर्जी को कैसे डिक्टेट करता है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? क्रैमर डिजेनरेसी इन ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो भाई, एक होती है, अच्छा आपने एक बात देखी थी, एक होते हैं क्रैमर डबलेट। क्या होते हैं क्रैमर डबलेट? देखो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो वो जिनकी स्पिन क्या होती है हाफ इंटीगर, और एक कौन से जिनकी स्पिन क्या होती है, एक तो हमारे पास वो सिस्टम जिनकी स्पिन क्या होती है हाफ इंटीगर, और एक कौन से जिनकी स्पिन क्या होती है इंटीगरल होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, और भाई कंसिडर करो 1-2 स्पिन वाले, ठीक है। अगर हमारे पास भाई एक से ज्यादा क्या है, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, अगर हमारे पास क्या है ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको बोलते हैं क्रैमर सिस्टम्स। क्यों भाई? भाई क्योंकि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, अगर एक अनपेयर्ड है, अगर तीन है, ठीक है, पांच है, सात है, तो बताओ एक अनपेड तो क्या आएगा 1/2 स्पिन आएगी, तीन है तो क्या आएगा 3/2, पांच है तो पांच, और सात है तो 7/2, isn't it? ठीक है, तो क्रैमर तो इनको बोलते हैं। तो जब आप क्या लगाओगे, तो मान ले भाई अगर एक अनपेड है तो दो, तो स्पिन के हाफ है ना, तो इसके पास कहेंगे दो स्टेट, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसको बोलते हैं क्रैमर डबलेट। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्रैमर डबलेट, isn't it? तो भाई अगर 3/2 तो क्या क्या गया? अगर 3/2 तो स्पिन तो क्या हमारे पास प्लस माइनस है। अरे भाई अगर स्पिन क्या है बताओ, स्पिन हमारे पास क्या है 3/2 है, हमारे पास स्पिन क्या है? तो देखो, तो आपसे पूछ ले क्रैमर सिस्टम कौन से होते हैं जिनमें क्या हो ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बात, तो उनमें बताओ क्या होता हमारे पास। अरे बोलो भाई, अगर मैं मान लिया अगर 5/2 है किसी स्पिन, तो ये क्रैमर सिस्टम है क्या? क्रैमर सिस्टम है कि? वेरी गुड, तुम क्या बोलेंगे? तो प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस हाफ, यहां पर ये है ना भाई। अरे बोलो भाई, पेयर होंगे ना यहां पर। तो एक क्रैमर रूल होता है, क्रैमर रूल ये कहता है कि जीरो फील्ड में, क्या जीरो फील्ड में क्रैमर डबलेट्स सेपरेट नहीं होंगे। जीरो फील्ड में क्रैमर डबलेट क्या होंगे भाई? हरेक क्रैमर, अरे भाई हरेक स्टेट की, तो जिन सिस्टम के पास क्या होगी हाफ इंटीगर स्पिन, तो वहां पर हरेक लेवल की डिजेनरेसी 2 होगी। ऐसा कोई लेवल नहीं होगा जिसकी डिजेनरेसी 2 ना हो। अरे बोलो भाई, इंक्लूडिंग ग्राउंड स्टेट, इंक्लूडिंग ग्राउंड स्टेट, ठीक है बात। तो क्या हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इनमें क्या है, तो अगर हमने क्या लगाया मैग्नेटिक, सॉरी जीरो फील्ड, अगर जीरो फील्ड भी है तो बताओ सबसे नीचे कौन सा आएगा? बोलो भाई प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 5/2, समझ गई बात भाई। तो यहां पर हर एक लेवल क्या है डबली डिजनरेट। तो देखो जीरो फील्ड, जीरो फील्ड दो से कम डिजनरेस नहीं कर पाए किसी की भी, बल्कि हर एक लेवल क्या होगा क्रैमर सिस्टम में, हर एक लेवल क्या होता है डबली डिजनरेट जीरो फील्ड में। और दिस डिजेनरेसी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हाफ क्या हो जाएगा सेपरेट, माइनस हाफ नीचे प्लस हाफ ऊपर, पता होगा ना आपको भाई, ये भी क्या हो जाएगा सेपरेट, ये भी क्या हो जाएगा सेपरेट। लेकिन भाई क्रैमर सिस्टम में बताओ क्या होगा, जीरो फील्ड में क्या होगा हर एक लेवल क्या डबली डिजनरेट, इंक्लूडिंग ग्राउंड स्टेट, इंक्लूडिंग ग्राउंड स्टेट भाई, समझे बात, ग्राउंड स्टेट भी क्या हो गया डबल डी, ये आपका भाई क्रैमर रूल। दूसरी तरफ भाई ये कंडीशन कहां फॉलो नहीं होती बताओ, नॉन क्रैमर सिस्टम्स में जिनकी स्पिन क्या, जिसके पास क्या है भाई इंटीग्रल स्पिन। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पिन क्या बताओ भाई 1 है, स्पिन क्या भाई 1 है, तो कंपोनेंट कौन से प्लस माइनस 1 और 0, तो भाई यहां बताओ क्या होगा
जीरो और प्लस माइनस वन, तो यहां पर भाई ग्राउंड स्टेट क्या नहीं है, डबली डिजनरेट नहीं है क्या आपको? अगर भाई हमारे पास क्या है, अगर स्पिन क्या है टू, भाई ये बात है आप यहां पर नहीं बोल सकते कि हर एक लेवल क्या हो डबली डिजनरेट जीरो फील्ड में, कि बोल सकते हैं भाई? अगर मैं ये कहूं कि बताओ स्पिन क्या हमारे पास टू है, तब क्या आएगा जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, बोलो भाई। और ये और यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट यहां पर भाई पहली बात तो हम जो बात बोलते हैं कि हर एक लेवल क्या हो डबली डिजिनेट, ये बात गलत हो यहां पर। दूसरा ग्राउंड स्टेट यहां पर डबली डिजिनेट नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट यहां पर कौन सी बनेगी जिसका भाई एम एस कंपोनेंट क्या होगा, बोलो भाई ये क्रम रूल है ठीक है। क्या अगर मान लिया हमारे पास क्या है इवन नंबर का सिस्टम, इवन नंबर ऑफ क्या हमारे पास पार्टिकल, अरे भाई इवन नंबर अगर स्पिन क्या है भाई हमारे पास है? अगर इवन नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास स्पिन क्या आएगी इंटीग्रल आएगी ना, तब भाई हमारे पास क्या बनेगी ग्राउंड स्टेट, उसका एम एस कंपोनेंट बताओ क्या आएगा जीरो, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये क्या होते हैं नॉन क्रैमर सिस्टम्स, इजंट इट? अरे बोलो, अरे तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।